सईद गनी ने गवर्नर सिंह को बेख्तियार करार दे दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने के दावेदार गवर्नर हाउस के एक चपरासी को भी फारिग नहीं कर सकते। एमकेएम समेत दीगर इत्तेहादियों को हुकूमत से अपनी राहें जुदा करने का मशवरा दिया। कहा सिंध हुकूमत के साथ सौतेलों जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। गवर्नर साहब सिर्फ जो है वो मौजे करने के लिए मौजे करें, बाकी इख्तियारात उनके पास कोई नहीं है। आईन के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का वजीर आला होता है और गवर्नर साहब एक सिंबॉलिक एक पोजीशन है। जिस तरह सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं, इस तरह गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है। अली मादे शेख को आप जो नया आईन है ना हमारा जो 18वीं तरमीम के बाद है या ज़ियाउल्लाह के दौर के बाद का है उसकी एक कापी भिजवा दीजिएगा और कहिएगा ज़रा उसमें वो हाईलाइट कर दे कि कहाँ लिखा है कि गवर्नर बेचारा जो बोरिया बिस्तर गोल कर सकता है। गवर्नर अपने गवर्नर हाउस के चपड़ासी का बोरिया बिस्तर गोल नहीं कर सकता है, हुकूमत तो दूर की बात है। लिहाजा एमक्यूएम और दीगर इत्तेहादी जो पीटीआई के हैं वो कब तक पीटीआई के गुनाहों की नाकर्दा बोझ अपने कांधों पर रख के चलते रहेंगे? अगर इस मुल्क के लोग मुसीबत में हैं तो पीटीआई की वजह से हैं, लेकिन जो गुनाह है वो उनके इत्तेहादियों को भी जा रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पीटीआई के इत्तेहादी अपने आप को उस गुनाह से दूर करना चाहते हैं जो पीटीआई कर रही है, उस मुसीबत से जिसमें पाकिस्तान के लोग मुब्तला हैं, उनको लोगों को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो इस नालायक और नाइल हुकूमत का साथ छोड़ें। सौतेला है, हमारे साथ रवैये लोगों के मुख्तलिफ हैं, वफाकी हुकूमत के रवैये मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ सब जायज़ है। चाहे आई जी खुद दादागिर बन के वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को क्यों ना वो अंगूठे दिखा रहा हूँ।